टाइम ग्राफ देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं इम्पॉसिबल कर्व्स। तो जो इम्पॉसिबल कर्व्स हैं, इनमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको दिख गया वहाँ पर ग्राफ में, तो आपको फिर उसकी एनालिसिस नहीं करनी। जैसे मान लिया ऐसा कोई भी ग्राफ आपके सामने आ जाए, अब वहाँ तुम बैठ के एनालिसिस कर रहे हो कि सर टाइम के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका स्लोप क्या देगा, इसमें कोई एनालिसिस नहीं करनी, क्योंकि ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं। जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी एनालिसिस क्या करना। तो हम लोग यहाँ पर उन पॉइंट को समझते हैं कि क्या पॉइंट्स होंगे कि ग्राफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहला पॉइंट है, टाइम कैन नेवर फ्लो बैक। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि टाइम जो है फ्लो बैक, मतलब पीछे की तरफ नहीं भागेगा, टाइम हमेशा आगे की तरफ चलेगा, बैक साइड में हम नहीं जा सकते, या हम कहते हैं कि हम पास्ट में नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। और दूसरा पॉइंट क्या है, एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस एट द सेम टाइम। और कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही समय पर कई जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसी दो सिचुएशंस आपके सामने आ गई, तो समझ जाओ कि वो ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो यहां पर जो ये पहला दिखाया गया, तो इसमें क्या हुआ, टाइम में हमें आगे जाना चाहिए, इसमें क्या दिखाया गया, टाइम में पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें भी वही दिखाया गया कि टाइम में पहले आगे गए और फिर टाइम में पीछे चले गए, तो ये भी नहीं पॉसिबल है कि हम पीछे की साइड में यहां पर टाइम में चले जाएं। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये भी क्या हो गई, इम्पॉसिबल, मतलब आप पास्ट में नहीं जा सकते ना। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, पीछे आप नहीं जा सकते। यहां पर भी अगर आप देखो, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि आप ऐसे यहां पर घूम गए, तो इधर पोजीशन, इधर टाइम है, तो इसका मतलब पहले टाइम के साथ आप गए आगे, लेकिन फिर टाइम में वापस आ रहे हैं, टाइम पीछे की तरफ आप दिखा रहे हैं कि हम वापस वहीं पर पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। ऐसे यहां पर कि अगर हम यहां देखें, तो इसमें क्या है कि यहां से हम चले और यहां पर गए पीछे और फिर फाइनली हम आगे गए, तो इसमें फाइनली हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि सवाल उठता है कि भाई तुम पीछे कैसे गए थे, वो बता दो हमको, हम भी पीछे कुछ गड़बड़ करके आए थे, उसको सही करके आते हैं, तो हम पीछे नहीं जा सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे होता नहीं कि पास्ट में नहीं जा सकते हैं किसी भी तरह से, मूवीज में जा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी मूवीज बनी। चलो बताओ दो ऐसी मूवीज के नाम बताओ जिसमें हम टाइम में दिखाया गया कि पीछे गए। हॉलीवुड, कौन सी, डोरेमोन। अबे बड़े हो गए, अब डोरेमोन लिए घूम रहे हो। मूवीज की बात करो, सबसे फेमस मूवी तो वही है हैरी पॉटर हॉलीवुड की, तो उसमें आपको दिखाया नहीं गया एक थर्ड पार्ट में, हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एक्समॉन, तो उसमें जाए जाते पीछे जाते हैं दोनों, वहां सब सही वही करके वापस आ जाते हैं। तो मूवीज में तो ऐसा बहुत बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया, जैसे एक कौन सी थी मूवी टॉम क्रूज की, एज ऑफ टुमारो, देखा है, बड़े उत्साह के साथ बताते हैं। एज ऑफ टुमारो, वो भी उसमें भी ऐसे दिखाते हैं वो। अच्छा, जब मैं वो मूवी देख रहा था, तो मैं मतलब देख रहा था ऐसे थोड़ी देर चलता गया, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वहीं से फिर वो स्टार्ट कर दिया वही सारी चीज़ें। मैं सोचा वो कुछ गड़बड़ हो गया है माउस, मैं समझ ही नहीं पाया। बाद में वो जब दो बार देखा, तब पता चला अच्छा ये तो कुछ अलग ही कहानी चल रही, वो जहाँ मरता है वहीं से वापस वो फिर वापस पहुँच जाता, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता। एक मूवी तो ऐसी देखी थी, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, किसी ने देखा है, नहीं, नाम ही नहीं सुना होगा तुमने, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। उसमें तो उल्टा ही दिखाया है, उसमें एक बच्चा होता है, जब वो होता है तो वो बुढ़ा होता है और फिर वो धीरे धीरे यंग होता जाता है, यंग होता जाता है, फिर वो छोटा हो जाता है एकदम बिल्कुल से। तो बिल्कुल उल्टा ही कहानी उसमें दिखाई गई थी भाई, उसको देख के मेरा 3 दिन सरदर्द किया था, तो देखना नहीं, मैं देखने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो मूवीज में कुछ भी हो सकता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, बहुत जगह जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जनरल प्रैक्टिस में या इन जनरल हम बात करें, हम जो रियल लाइफ में हैं, तो हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन हम पीछे नहीं जा सकते, और आगे भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हम कल वाले में कल में पहले पहुंच जाएं, आगे देखते हैं सर क्या पढ़ाएंगे, वैसे ये तो तुम देखोगे नहीं, कुछ और ही देखोगे जाके। तो हम लोग यहां पर ये बातें ध्यान रखेंगे कि टाइम कैन नेवर फ्लो बैक और एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस एट द सेम टाइम। जब आप बैक में चले जाएंगे,
तो इसका मतलब आप दो जगह पर या तीन जगह पर एक ही समय पर होंगे। जैसे आप अगर मान लो ये वाला ग्राफ आ जाए, तो इस ग्राफ में ये भी तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर समय पर देखो तो पोजीशन दो जगह दिख रही है ना। इस पर्टिकुलर अगर ग्राफ में आप देखो यहां पर इस टाइम पर, तो आपको पोजीशन तीन जगह दिख रही है। मतलब एक पर्टिकुलर ग्राफ, ये बॉडी के लिए ग्राफ दिखाया गया जिसमें एक ही समय पर वो तीन जगह पर प्रेजेंट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल बिल्कुल। अच्छा होता तो मजा आ जाता। ठीक है, क्या हम क्लास में भी बैठे होते, अपना लुलू मॉल में भी घूम रहे होते, घर पे सो भी रहे होते, मतलब सारे काम हमारे साथ में हो रहे होते, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कहीं पर भी कोई ग्राफ मिलेंगे तो तुरंत उसको कह देंगे दिस इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। इसमें एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो वो मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, हम लोग देखेंगे भी। और बाद में इसमें क्वेश्चंस पूछे भी, AIEEE भी पूछा गया, आपके यहाँ नीट में AIPMT में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करें इनफाइनाइट वेलोसिटी एंड इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आर फिजिकली नॉट पॉसिबल। जैसे जो वेलोसिटी है तो इनफाइनाइट वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं। जैसे अगर आप देखो तो यहां से ग्राफ यहां तक का जो दिखाया गया ये वाला, ये पार्ट पहले आप देखो, मान लो वो नहीं होता, इतना पार्ट होता तो ये तो पार्ट सही है। भाई इसमें क्या है, इस पोजीशन और टाइम का दिखा दिया गया, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, और इसमें दिखा दिया गया स्लोप कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इक्वल टू टाइम थीटा। लेकिन फिर इसमें क्या किया गया, ये पार्ट जोड़ दिया गया। अब जैसे ही आपने ये पार्ट जोड़ा सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये पार्ट यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v इक्वल टू टैन 90, क्योंकि एंगल कितना हो गया 90, टैन 90 क्या होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती, सोच लो खूब बैठ। अब ये भी नहीं पता इनको, अरे स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज तेज चल सकती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी में पता है ना 3×10^8, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती। यहां क्या दिखाया गया, इनफाइनाइट वेलोसिटी, तो ऐसे भी इम्पॉसिबल हो गया। दूसरा, ऐसे आप देखो टाइम यहां पर रुक गया जबकि पोजिशन उसकी बढ़ती जा रही, चेंज होती जा रही, समय रुक गया और पोजीशन बढ़ रही, क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। पोजीशन चेंज हो सकती है, पोजीशन भले रुक जाए लेकिन समय वहां पर चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये भी ग्राफ क्या हो गया, इम्पॉसिबल। ऐसे यहां पर देखो कि अगर सिर्फ इतना ग्राफ दिखाया गया होता तो ये सही होता, लेकिन ये जैसे ही इसमें जोड़ दिया गया, अगेन ए टेन 90 क्या हो गया, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है। अगेन आप यहां पर देखो क्या शो हो रहा है कि आप यहां पर अगर इसको ऐसे मिला दो तो इसका मतलब टाइम यहां पर रुक गया और वेलोसिटी उसमें है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ कैसे हो गए, इम्पॉसिबल कर्व हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो ऐसे हम डाल दें ओ ए ए बी, तो ये मत लिख देना आधा पॉसिबल है आधा इम्पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए दिखाया गया, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है तो ये पूरा ग्राफ उसके लिए, तो ये पॉसिबल यहां से यहां तक का अगर सिर्फ होता तो पॉसिबल होता, लेकिन ये जोड़ने का मतलब है कि हमने दिखा दिया कि पहले एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, तो उसी ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही ना, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ ही इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर एट अ पर्टिकुलर टाइम बॉडी कैन नॉट हैव मेनी वेलोसिटीज, एक ही समय पर बहुत सारी वेलोसिटीज नहीं हो सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक ही समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। जैसे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने दो वेलोसिटी दे दी, ये तो हो सकता है ना, v1 दे दिया v2 दे दिया, तो अगर दो वेलोसिटीज यहां पर हो जाएंगी तो भी ये क्या होगा, ना तो ये इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, जिधर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये उधर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर दो वेलोसिटी दे दी तो बीच से बट गया, आधा पार्ट इधर चला गया आधा उधर चला गया, क्या ये होगा? नहीं होगा। उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उधर ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समय पर किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहां पर देखें जैसे इसमें क्या दिख रहा है, अगर कोई आप वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ दिखा दो इस तरह का, तो ये क्या दिखा रहा है कि एक ही टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और उसी समय पर
वेलोसिटी नेगेटिव भी, तो एक ही समय पर दो डायरेक्शंस में नहीं हो सकता है या दो वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा ये इम्पॉसिबल होगा। वैसे तो सब इसमें इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अब जैसे यहाँ एक ग्राफ दिखा दिया गया, तो जो दिखाया गया उस पर लिख दिया गया कि वो पॉसिबल है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये सारे ग्राफ इम्पॉसिबल हैं, ये सारे ग्राफ इम्पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर ये ग्राफ पॉसिबल है, इसको अलग से दिखा दिया गया। तो ये जो ग्राफ यहाँ दिखाया गया है पॉसिबल वाला, ये कैसे पॉसिबल है, तो वैसे ही बस यहाँ पर ये एच है, ठीक लिखा हुआ इसमें, ऐसी इसमें गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पर ये एच है। तो अगर आप देखें तो ये ग्राफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर हाइट पर दो वेलोसिटीज दिखाई गई, प्लस और माइनस, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर तो दो वेलोसिटीज पॉसिबल हैं, एक पर्टिकुलर समय पर नहीं पॉसिबल हैं। कैसे, जैसे अगर हम किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसे यहां पर फेंका, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर, यहां पर मान ले ये एच हाइट पर है, तो इसकी दो वेलोसिटीज पॉसिबल है ना, कि जब ये जा रहा था तब इसकी वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, और जब ये वापस आएगा तो उसी जगह पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर ये जो लाइन है ये वाली, ये मत खींचना, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो एक पर्टिकुलर हाइट पर दो वेलोसिटीज पॉसिबल है जाते समय आते समय, लेकिन एक ही समय पर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये ग्राफ हो जाएगा पॉसिबल। ये एक्चुअल में अगर हम इस कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे ही आएगा, मतलब ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, इसका ऐसा ही ग्राफ आता है, ठीक है। तो आप ये चाहें तो वहां पर नोट कर लो ये और ये पॉइंट। नोट कर लिया ना आपने, ये सब नहीं लिखना, ये तो ऐसे। तो ये साफ में आपको बता दिया गया कि अगर ये इक्वेशन का ग्राफ आपसे कभी कहा जाए तो आप ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे एक्चुअली ग्राफ सारे आप ड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपको सिखाया नहीं जाता है ना, तो उसकी आपको जरूरत है, आप सिर्फ सिंपल ग्राफ ही ड्रॉ कर पाओगे, बाकी जो ग्राफ होते हैं वो सिर्फ आपको पहचानने होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ ग्राफ दिया जाएगा तो आपको पहचानना रहेगा कि इसका ग्राफ क्या होगा या इस कंडीशन में ग्राफ क्या हो सकता है। तो आप देखो जैसे पहचानना है तो आप कैसे करेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी और हाइट इसकी बढ़ेगी। आप देखो जब हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही, कम ही तो हो रही, और हाइट बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, एच की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है तो एच की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही लेकिन स्पीड बढ़ती चली जाती, और यहाँ पर स्पीड एग्जैक्टली वही हो जाती जो यहाँ पर थी स्पीड, ठीक है, ये लोकेशन और ये लोकेशन, तो ग्राफ हमने मैच करा लिया उस कंडीशन से। तो आपको ग्राफ मैच कराना रहता है, मतलब आप हर ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, सिंपल होगा तो आप ड्रॉ कर लेंगे, इसको ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इस तरह का ग्राफ के लिए फिर आपको और ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपके यहाँ इस तरह की सिचुएशन कभी दी जाएगी तो आपको मैच कराना रहेगा बस, ठीक है। सिंपल वाला होगा तो आपको ड्रॉ करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो जो जरूरत है वो हम करा दे रहे हैं, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, जितना बताएगा उसको बस ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, आल्सो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। आप देखो यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया गया डिस्टेंस और टाइम में, और ये दिखाया गया स्पीड और टाइम में ग्राफ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये नेगेटिव पार्ट, क्या डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे, रीजन भी लिख लेते हैं, इम्पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस ऐसे लिख देते हैं, इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि यहां पर क्या है, डिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक है। इम्पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस इज, और यहां स्पीड को नेगेटिव दिखा दिया गया, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैग्नीट्यूड, तो वो भी तो नेगेटिव नहीं होगा, तो स्पीड यहां पर नेगेटिव, तो इसके नीचे लिख देंगे इम्पॉसिबल बिकॉज स्पीड इज
नेगेटिव। हालांकि हम लोगों को पता है, सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बार लिख दिया तो और आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि स्पीड नेगेटिव है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं। अच्छा आप सोचो यहाँ पर जैसे अगर ये नेगेटिव है पार्ट, तो अगर हम ये दोनों पार्ट यहाँ से हटा दें, जैसे इसमें से ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट हटा दिया और इसमें से भी हमने नेगेटिव वाला पार्ट हटा दिया, अब ये दोनों पॉसिबल हो जाएंगे कि नहीं? दोनों होंगे या नहीं? नहीं होंगे। ये वाला होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? डिस्टेंस डिक्रीज कर रही, ये वाला ये होगा या नहीं होगा? स्पीड तो कम हो सकती है ना, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो स्पीड घट सकती है, स्पीड बस नेगेटिव नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड को नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन स्पीड बढ़ घट सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती, ठीक है? तो डिस्टेंस को यहां घटते हुए दिखा दिया गया, तो यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। डिस्टेंस यहां पर दिखाया गया और स्पीड, तो ये वाला जो ग्राफ है ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस यहां पर घट रही है इसलिए इम्पॉसिबल हो गया, जो कि होता नहीं है, और यहां पर ग्राफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉसिबल। पॉसिबल बिकॉज स्पीड कैन इंक्रीज और डिक्रीज, अपवर्ड एरो इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज, बिकॉज स्पीड कैन इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों बातें हमने ऐसे उसी में शॉर्ट में शामिल कर दी, तो आपको याद रहेगा, ठीक है? तो थ्योरी वाला जो पार्ट था आपका वो आपका फिनिश हो गया, ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया, ग्राफिकल एनालिसिस भी हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर करेंगे और वो क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग सारी चीजें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसके हम लोग एकदम लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं, और इसका यूज पूरी फिजिक्स में होना है, ये हमने आपको बता दिया था, तो इसे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर रखना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और वो बहुत सारी चीजें जो भी हैं, मैथमेटिक्स का जो भी पार्ट था, कैलकुलस का पार्ट था, ग्राफ का पार्ट था, यही घुमा फिरा के काफी यूज होता रहेगा, तो उसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। देखो जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप तुरंत जैसे कोई भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, अब होगा क्या, कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, कुछ में नहीं पड़ेगी जरूरत वहां पर, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, तो आप इस रिक्वायरमेंट को अपनी समझो। अब मान लिया आधा चीज आपने असाइनमेंट में लिख लिया और आधी चीज आपने वहां पर लिख ली, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप वो आप फ्री भी हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, क्योंकि डायग्राम बनाना मतलब जल्दी से आप खींच भी सकते हैं, देखकर वहां पर तुरंत खींच लो, तो आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन का पार्ट अलग रहेगा, मतलब आप असाइनमेंट में जब देखेंगे तो वो साफ सुथरा रहेगा, और बाकी यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस वगैरह करने, जो कुछ दिखाना है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है? तो वो आप अपने हिसाब से जैसा भी कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे आप करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर एज फॉलोज, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स वी ए इज टू वी बी इज, वी और वी बी का रेशियो आपको बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। कुछ लोगों ने सेकंड बताया है और कुछ लोग बता रहे हैं फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, जो भी है। जल्दी से ट्राई करो, सही से आंसर निकाल के बताओ। सेकेंड, यहां पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप यहां पर देखो, अभी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2022 में, 21 या 22 में पूछा गया था,
तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बताया गया था बिल्कुल ऐसा ही था, जस्ट यहाँ जो दिया गया इससे भी ज्यादा आसान था। जैसे इसमें क्या किया, यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी और ये एंगल डॉटेड लाइन का 45 डिग्री है, तो ये 15-15 डिग्री दिए गए, तो आपको यहाँ तो एंगल निकालना भी पड़ रहा है कि ए का एंगल क्या होगा और बी का क्या होगा। जैसे आप देखो ए का एंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पर इतना, तो ये पूरा 45 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप बी का एंगल देखेंगे ये वाला, ये कितना हो जाएगा 60, ये 45 है यहां तक, और 45 में 15 आप जोड़ देंगे तो 45 में 15 ऐड करेंगे तो बी का एंगल आ जाएगा, घटा देंगे 15 डिग्री तो ए का एंगल आएगा, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है, जस्ट आपसे ए और बी का रेशियो पूछा गया, तो हमें पता है कि जो वी होता है वो टैन थीटा होता है, पता है, तो इसी बेसिस पर हम लिख सकते हैं वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू टैन, ए के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री और बी के लिए एंगल कितना है टैन 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब 1/√3 और 60 डिग्री का मतलब √3, तो यहां पर ये तो जहां है वही रहेगा, ये वाला √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3, दैट मीन्स 1:3, जितने लोगों ने सेकेंड ऑप्शन बताया था उनका सही था, ठीक है, थर्ड और फोर्थ ये सब। नोट कर लिया आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सेकंड नंबर पर। द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर ड्यूरिंग द इंटरवल OA AB BC एंड CD द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कितने लोगों का आया, फर्स्ट और सेकंड, सेकेंड भी कुछ लोगों का है, फर्स्ट या सेकेंड में कंफ्यूजन, थर्ड, इसमें पार्ट आपको समझ में आ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ऐसे है, ये स्ट्रेट है, ये वाला पार्ट कर्व है और ये फिर स्ट्रेट है, ठीक है। इसी बेसिस पर आपको आंसर देना है और आपसे कहा गया है यहां पर एक्सेलरेशन आपको बताना है ऑफ द पार्टिकल इज, तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपसे हमने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन का जो साइन है वो एक्सेलरेशन है या वो रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है वहां पर घट रही, डिक्रीज कर रही, तो उसके बेसिस पर हम उसका साइन लेते हैं। अगर वो वेलोसिटी इंक्रीमेंट का केस दिखा रहा है तो जो भी वेलोसिटी का साइन होगा उसी से एक्सेलरेशन का साइन मैच करेगा, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें यह पता है कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बढ़ रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी तो हो सकता है, हो सकता है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी नेगेटिव हो और आपने कह दिया वेलोसिटी बढ़ रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो कहां बढ़ेगी, अगर ये माइनस है और इंक्रीमेंट हो रहा है तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए। तो यहां पर हालांकि इस बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा इसमें चालाकी दिखा दी, कुछ ये पॉइंट ऐड कर दिया तो आप फंस जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट आना चाहिए, तो आप देखो जरा यहां पर कैसे हम करेंगे, ओ ए पार्ट हो गया एक, ठीक है, देन ए बी पार्ट हो जाएगा, यहां पर ए बी पार्ट हो जाएगा, देन यहां पर बी सी पार्ट हो गया और फिर पार्ट हो गया सी डी, ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो इन पार्ट्स में क्या हमें दिख रहा है वो, अब हमें एक्सेलरेशन का साइन है निकालना, तो हमें ये देखना है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है और उसका साइन क्या है। तो आप यहां पर देखो ये वाला पार्ट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो आप यहां देखो कि वेलोसिटी यहां पर क्या हो रही, घट रही ना, स्लोप घट रहा है, तो स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी घटेगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ एसटी कर्व, पहले से हमें पता है लेकिन एक बार हमने लिख दिया वी, तो आप देख सकते हैं यहां वेलोसिटी घट रही, फिर यहां पर आप देखो तो क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई,
सॉरी वेलोसिटी जीरो हो गई, कांस्टेंट नहीं जीरो, स्लोप होगा ना, तो स्लोप यहां पर क्या है जीरो, तो स्लोप जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई जीरो हो गई, ठीक है, v इज इक्वल टू जीरो। फिर यहां पर देखो ऐसे ग्राफ हो गया, तो अगर ऐसे ग्राफ होता है तो उसका स्लोप बढ़ता है, इंक्रीज करता है। भाई आप फील करो कि इसके ऊपर अगर आपको चढ़ना हो तो आपके लिए मुश्किल है ना आगे जाना, तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि स्लोप बढ़ेगा, तो यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीजिंग, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगा जीरो या कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा ना, वेलोसिटी स्लोप होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है कांस्टेंट, तो यहां पर v क्या हो जाएगा, v इज कांस्टेंट। ये हो गई बात यहां पर वेलोसिटी की। अब साइन बताना है, तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जो एक्सेलरेशन का साइन हो जाएगा, तो ये वाला जो केस है यहां पर ऐसे लिखते हैं ए, यहां पर अगर आप इस केस में देखें तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन के लिए आपने जैसे ये आगे की बात जो हमने बताई थी वो आपने ध्यान नहीं दी, तो आपने सोचा कि वे वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन का मतलब ए कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो आपने यहां पर कर दिया नेगेटिव, यहां पर वेलोसिटी जीरो है तो आपने लिख दिया एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी यहां पर बढ़ रही है तो आपने लिख दिया एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि माइनस जीरो प्लस जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो कौन सा ऑप्शन सेकंड, तो सेकंड जितने लोगों ने किया था उनका सही था, फर्स्ट ऑप्शन जितने लोगों ने किया था सबका गलत था, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, अब आप ये सोचो कि यहां पर तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन अगर इसी में ऐसे मान लिया उसने एक पार्ट ऐसे ऐड कर दिया होता, ठीक है, अब आप सोचते कि यहां पर स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है ना, स्लोप यहां पर बढ़ेगा, इसके ऊपर आगे की तरफ चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, अब वेलोसिटी वहां बढ़ रही, तो आपने यहां पर क्या देखा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो आपने साइन क्या लिया पॉजिटिव, तो आपने पता लगा इसके लिए साइन ले लिया प्लस, ठीक है, अब गलत हो गया। आप खुद सोचो कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो है लेकिन उसका स्लोप कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप होने का मतलब वेलोसिटी माइनस में होगी, तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो दोनों का साइन एक जैसा होगा ना, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन का साइन होगा वो माइनस होगा, तो मतलब ये हुआ कि इसका, ये तो हम हटा देते हैं अलग से, मैंने आपको समझा दिया, मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर इसका आंसर निकाल तो लिया है, लेकिन इस आंसर में हमारे सामने अगर इस आंसर की बात करें तो यहां सही हो गया, लेकिन अभी हमारी कंप्लीट एनालिसिस नहीं हुई थी। कंप्लीट एनालिसिस ये होगी कि आप यहां पर देखो वेलोसिटी घट रही है लेकिन साथ में वेलोसिटी यहां पर कैसी होगी पॉजिटिव, बस आप लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे तो पॉजिटिव और इस तरह से नेगेटिव पैरेलल तो जीरो हो जाएगा, तो यहां पर साथ में हम इसका साइन भी लिख लेंगे कि यहां पर साइन वेलोसिटी का क्या होगा पॉजिटिव। यहां पर देखो ए बी वी इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो में कोई साइन लगाने की जरूरत है नहीं। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, यहां पर देखो इंक्रीज कर रही वेलोसिटी, तो अगेन अगर हम लाइन ड्रॉ करें ठीक है तो अगेन यहां पर भी पॉजिटिव होगा, और v इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो यहां पर कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वह एक्सेलरेशन वैसे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहां वेलोसिटी घट रही थी तो वेलोसिटी का साइन प्लस था, तो एक्सेलरेशन का अपोजिट होना चाहिए ना अगर डिक्रीमेंट है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है साइन प्लस का है तो एक्सेलरेशन का भी साइन क्या होना चाहिए प्लस। यहां वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है, वैसे आता नहीं है तुम लोगों के दिमाग में, लेकिन एक आ सकता है अगर बाई चांस आप सोचना स्टार्ट कर दें तो। जैसे आपके दिमाग में ये चीज नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये कोई जरूरी तो होता नहीं कि होता है, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एक क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो थी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं था जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो यहां पर हमने कैसे लिख दिया कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यहां पर मतलब ये चीज हमने कैसे फ्रीक्वेंटली लिख दी कि ये जीरो है तो ये भी जीरो। इसका रीजन आपको इस ग्राफ में समझ में आएगा, अगर आप ग्राफ में देखो तो ये जो यहां पर ए पॉइंट है और बी पॉइंट, इनके बीच अच्छा खासा टाइम दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां पर ज्यादा टाइम आपको दिख रहा है, जबकि वो जो पॉइंट बताया जाता है वो लगातार वेरिएशन का होता है, चेंज हो रही वेलोसिटी, तो अगर माइनस थी उससे प्लस हुई या प्लस से माइनस, तो बीच में जीरो भी आएगा,
लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी प्लस है तो प्लस से माइनस जाने में बीच में जीरो आ जाएगा। लेकिन यहां क्या है, यहां एक लंबे समय तक वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है, जीरो। तो लंबे समय तक अगर वेलोसिटी जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, लंबे समय तक की बात की जाए मतलब वहां पर वो रुक गया। लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी को फेंकते हैं मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होती तो क्या वहां रुकती है वो, नहीं, वो एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो होती। ऐसा थोड़ी कि आपने बॉल फेंक दिया ऊपर गई और फिर रुक गई, नहीं, हम बड़ी मेहनत करके आए, थोड़ी देर सुस्ता लेकिन तब जाएंगे नीचे, तो ये तो होगा नहीं। ऊपर गई और तुरंत वो नीचे आ गई, तो इसका मतलब वो एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। लेकिन यहां पर तो एक लंबे समय तक उसकी वेलोसिटी जीरो ही है। तो जैसे अगर हम कोई भी बॉडी यहां पर है, जैसे बॉटल है, उतनी देर से यहां रखी हुई है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इस पर नेट फोर्स भी जीरो ही लग रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो वही कंडीशन यहां है कि अगर एक लंबे समय तक वेलोसिटी आपको जीरो दिख रही है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चलने लगती, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, इसलिए इसको देखकर हमने जीरो लिखा। तो अब ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गई। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो कुछ भी इसमें कर देगा, आपका कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखकर अगर आपने साइन लगा दिया तो जो भी आगे पार्ट जोड़कर हमने बताया था वो अगर जुड़ेगा तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो समझ गए ना कि आपको अगर एक्सेलरेशन का साइन बताना है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज वो भी देखना है और प्लस उसका साइन भी देखना है। तो अगर डिक्रीमेंट है तो साइन अपोजिट होगा, इंक्रीमेंट है तो साइन सेम रहेगा। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, पहला ऑप्शन बहुत लोगों ने बताया था, प्लस जीरो प्लस प्लस, तो ये ओ ए पार्ट में तुमने प्लस क्यों लिख दिया था एक्सेलरेशन, किस बेसिस पर? अरे कोई रीजन बताएगा, हाँ? अच्छा वेलोसिटी का ही साइन बता दिया था, वाह, अरे एक्सेलरेशन पूछा गया था ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर प्लस साइन कैसे बता दिया। हो गया ना, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर, इट एक्सप्लेन्स दैट एट बी फोर्स इज जीरो, बी पॉइंट पर फोर्स जीरो होगा, एट बी देयर इज अ फोर्स बट टुवर्ड्स मोशन, एट बी देयर इज अ फोर्स बट अपोजेस द मोशन, फोर्सेस आर इक्वल एट ए बी एंड सी। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फोर्स की बात करें तो वहां पर हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मास का तो कोई साइन होगा नहीं, मास तो मास है। तो जैसे उसने कहा फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, या फोर्स वहां पर बराबर होगा या मोशन के अलोंग होगा, क्या होगा, तो उसने एक जगह पर उसने चौथे ऑप्शन में दिया है फोर्सेस आर इक्वल एट ए बी सी। अब यहाँ पर देखो कि इसका जो स्लोप है वी टी कर्व का, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी। तो इसका मतलब स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन मास तो सबके लिए सेम है, एक्सेलरेशन डिफरेंट अगर होगा तो फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां देखो स्लोप एक्सेलरेशन देगा ना, तो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, क्या तीनों जगह स्लोप आपको एक जैसा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है ना आपको स्लोप। तो इसका मतलब अगर स्लोप डिफरेंट है तो तीनों जगह पर एक्सेलरेशन भी डिफर कर जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन डिफर कर गया तो फोर्स भी डिफर कर जाएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने लिख दिया ना फोर्सेस आर इक्वल एट एबीसी, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब हमें देखना है कि अब हमें निकालना क्या है, तो उसने सिर्फ बी के लिए पूछा है, एट बी फोर्स इज जीरो, एट बी देयर इज अ फोर्स बट टुवर्ड्स मोशन, एट बी देयर इज अ फोर्स बट अपोजिस द मोशन। अब आपको एट पॉइंट बी एनालिसिस करनी है सिर्फ, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, तो बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो एट पॉइंट बी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो यहां पर कांस्टेंट होगा, एक बार एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप के बराबर,
ठीक है, तो ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, ऐसे लाइन है तो नेगेटिव, ऐसे होती तो पॉजिटिव, जैसे इसके लिए देखते तो पॉजिटिव, इसके लिए है नेगेटिव। तो ए पर जो स्लोप है, ए इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप क्या है? कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्सलेशन है वो नेगेटिव होने का मतलब यहां पर क्या है कि वो वेलोसिटी के अपोजिट है, क्योंकि एट पॉइंट बी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो लोग सभी लोग क्यों नहीं बोलते? बी पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम एक्सेस के ऊपर है ना, तो प्लस। भाई वेलोसिटी तो डायरेक्ट पढ़ोगे ना, एक्सलेशन स्लोप के बराबर होगा, लेकिन वेलोसिटी तो वाई एक्सेस पर दिखाया गया ना, तो वेलोसिटी यहां पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी जब टाइम के ऊपर पढ़ेंगे तो कोई भी, जैसे यहां पर है तो इतनी वेलोसिटी तो होगी, तो ये तो पॉजिटिव होगा ना, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एट पॉइंट बी ए इज इक्वल टू, ये हो गया स्लोप इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सलेशन नेगेटिव, तो दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट, अपोजिट हो गए। और फोर्स किधर होता है? जिधर एक्सलेशन होता है, बराबर है में, जिधर एक्सलेशन उधर फोर्स, यानी कि बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, एट बी फोर्स इज जीरो, यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो एट बी देयर इज अ फोर्स, एट बी देयर इज अ फोर्स, लेकिन वो फोर्स कैसे है? अपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सलेशन दोनों अपोजिट है, इसलिए फोर्स भी अपोजिट होगा, यानी कि कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, एट बी देयर इज अ फोर्स बट अपोजिट द मोशन। आप चाहें तो यहां पर डायग्राम भी ऐसे बना सकते हैं कि यहां पर मान लेते हैं वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव, एक्सलेशन इधर है, एक्सलेशन हो गया नेगेटिव, और इसी तरह से यहां पर जब एक्सलेशन नेगेटिव है तो फोर्स भी इधर ही रहेगा, ठीक है, उधर ही फोर्स आ जाएगा, ठीक है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बी पॉइंट की कंडीशन हो गई, बी पॉइंट पर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सलेशन और फोर्स रहेंगे, तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे थर्ड पॉइंट यहां का सही हो जाएगा। ग्राफ जो आपको दिखाया जाता है ये, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये पार्टिकल का पाथ है, ये हमने समझाया था आपको, ठीक है, कि ग्राफ जो आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वेलोसिटी ऐसे ऐसे जा रही, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। बताया था ना हमने कि ये टाइम के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन आपको दिखाया जा रहा है। पाथ को कौन दिखाता है? पाथ अगर आपको दिखाना है तो किसके बीच का रिलेशन होना चाहिए? एक्स और, कुछ पीछे का पढ़ते नहीं, सब साफ करते हुए आ रहे हो, एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है वो पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये नहीं, कई लोगों के दिमाग में ही रहता है कि अच्छा ऐसे है तो पहले पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल नहीं जाता, ये तो टाइम के साथ वेलोसिटी, टाइम के साथ इतने समय तक के लिए वेलोसिटी कैसे रहेगी? कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, फिर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी का वेरिएशन है। पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, ठीक है, तो हम पार्टिकल की बात नहीं यहां पर कर रहे हैं कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। पार्टिकल का अगर पाथ आपको दिखाना है तो आपको एक्स और वाई के रिलेशन को ड्रॉ करना होगा। हमने एग्जांपल भी आपको दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, जिसमें आपको इक्वेशन बताई गई थी कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हम लोग लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो इक्वेशन होती है, मतलब वो ax माइनस bx स्क्वायर के फॉर्म में होती है, तो उस इक्वेशन में x और y को ही रिलेट किया जाता है। तो आप ये जो है ये पार्टिकल का पाथ नहीं है, पार्टिकल जैसे मान लिया ऐसे जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है यहां पर स्ट्रेट लाइन में, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मान लिया ऐसे, बस समझ लो एक बार, ठीक है, जैसे मान लिया यहां पर हो गया 5 सेकंड, यहां पर हो गया 10 सेकंड, और ये हो गया 0, कुछ बनाना नहीं, वैसे समझना है आपको, तो इसका मतलब है 0 से 5 सेकंड तक के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहां तक पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कुछ भी हो सकती है, फिर 5 से 10 तक उसकी वेलोसिटी घटेगी, तो इसका मतलब इसके बाद जो है यहां से ये 5 सेकंड हो गया, 5 से 10 के बीच में रिटार्डेशन आ जाएगा। वेलोसिटी घटने का मतलब क्या है? रिटार्डेशन, जहां वो वैसे ही रहा है थ्रू आउट, अगर आप देखें तो टाइम के ऊपर ही ग्राफ है ना, तो टाइम के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव ही तो होगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन सेम है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है,
और फिर 10 सेकंड के बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो 10 सेकंड के बाद जहां वैसे रहा, बट यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही। तो समझ गए ना कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है सीधे सीधे। ये क्या दिखाया जा रहा है, ये इस सेक्शन में, इस सेक्शन में क्या हो रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, बात अब क्लियर हो गई ना। तो जब भी आपको एक्स और वाई का रिलेशन दिखे तो समझ जाना कि वो एक्चुअल पाथ है। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अलावा आपको कुछ भी दिख जा रहा है तो वो पाथ एक्चुअल पार्टिकल का पाथ नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोगों को लगता है कि पार्टिकल ही ऐसे ऐसे जा रहा है। तो पार्टिकल नहीं, वो जस्ट उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया था, पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है सीधे सीधे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम टी सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टू टी 0। उसने आपसे कहा है कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिखाया गया। ठीक है, एक्स और टी का ग्राफ। तो उसने कहा है कि अगर ये ऐसा है तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टी, आपको वो समय बताना है सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टू टी, मतलब इनिशियल टाइम उसने कितना लिया 0, यानी कि 0 से अगर टी एक टाइम ले रहे हैं तो उसके बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है अगर, तो वो टाइम टी क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वो टाइम टी आपको बताना है जिस समय पर, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट 0 ले लो तो किस समय पर आप यहां पर कौन सा टाइम लेंगे। इसमें 2 दिखाए गए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, इतने सारे टाइम दिखाए गए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा टाइम टी है जहां पर अगर वो टाइम ले लें तो उस ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी। क्या होगा थर्ड ऑप्शन, 10 सेकंड, और कोई सेकंड, 5 सेकंड, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी आपसे कहा जाए एवरेज वेलोसिटी तो सबसे पहले उसकी क्या सोचेंगे, बेसिक डेफिनेशन। अब बेसिक डेफिनेशन अपने दिमाग में लाओ कि डेफिनेशन क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल 0 से टी, वो टी पकड़ना है आपको क्या है, तो यानी कि क्या 0 होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, डिस्प्लेस टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, तो क्या 0 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये सोचो कि 0 से वो कौन सा टाइम है जो हम लें कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें 0 करना होता है तो तुम्हें क्या करना होता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों, यानी कि जहां से पार्टिकल चले उसी लोकेशन पर वापस आ जाए। तो आपको ये समझना है कि वो 0 पर कहां पर था, 0 पर किस लोकेशन पर था, 20 मीटर पर। तो आपको ये सोचना है कि दूसरा ऐसा कौन सा टाइम है जब वो वापस 20 पर है, 10 ही तो है, यानी कि दूसरा जो ये टाइम है वो 10, इस पर वो वापस 20 पर। अब अगर आप ये सोचोगे, ये तो पाथ है पार्टिकल का, पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा है लहराते हुए, ठीक है, तो यहां पर तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, फिर आप गलत थिंकिंग ही आपकी हो जाएगी। तो हमने अभी आपको समझाया था पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है, पार्टिकल सीधे जा रहा है, आपको यहां पर यह देखना है कि वो इस लोकेशन पर वापस कैसे। जैसे मान लिया पार्टिकल ऐसे होता यहां पर, पहले वो टी, ये मान लिया ये 0 है, ठीक है, समझ लो क्वेश्चन को, यहां पर तो 0 पर वो 20 पर है, यानी कि वो इस लोकेशन पर है, मान लिया ये टाइम क्या हो गया 0, अब 20 पर है, अब वो 20 से पहले उसकी उसका जो पोजिशन है वो कम हुआ और फिर बढ़ के वापस 20 हुआ है, तो पोजीशन कम हुआ, मान लिया वो इस कोई भी टाइम पर वो 10 पर आ गया, ठीक है, 10 से वापस उसका फिर से बढ़ने लगा, तो इसका मतलब ये यहाँ से चला पहले यहाँ गया, तो ये तो 20 मीटर था, तो ये 10 मीटर तक गया, यहाँ तक वापस आ गया, और फिर 10 के बाद फिर आगे जब बढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि 10 सेकेंड पर वापस 20 पर है, तो इसका मतलब वो यहाँ से घूम गया होगा ना और वापस वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 20 पर, तो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, तो ये कंडीशन है, लेकिन उस चीज को रिप्रेजेंट ऐसे किया गया है, अलग अलग समय पर उसकी पोजीशंस क्या है वो दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि 0 पर भी वो 20 पर है और 10 पर भी वो 20 पर है, यानी कि घूमकर वापस वहीं पर आ गया, ठीक है।
ली तो locations आपको दिखा देंगे। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, जैसे ये डायग्राम ये हटा देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो आप देखो यहां पर कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू है 20, एट टी इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू फिर से 20, सो इन 0 टू 10 सेकेंड नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट वी एवरेज इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यही आंसर है थर्ड ऑप्शन। मतलब इसमें करना तो कुछ था नहीं, ये तो हमने लिख दिया कि बात के लिए आपको थोड़ा याद रहे क्या बताया गया था, बाकी हम लोगों ने आंसर तो पहले निकाल लिया था ना कि 10 सेकेंड पर वो वापस वहीं पर पहुंच गया 20 पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जीरो, आंसर हो गया 10। तो यहां लिख दिया गया कि फॉर वी एवरेज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 20, 10 पर भी x की वैल्यू 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 10 पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, और इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0, यानी कि जो t है, जैसे यहां 0 टू t दिया गया था ना, तो हमने निकाला 0 टू 10, तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेकेंड। नोट कर लिया ना आपने, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज शोन बिलो द रिटार्डेशन इज। अब आपसे उसने पूछा है यहां पर रिटार्डेशन, तो वही डायग्राम यहां दिखा दिया गया है। रिटार्डेशन का मतलब यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही होगा, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बताया आपको कि रिटार्डेशन आपको कहां से कहां तक के बीच में निकालना है। जैसे इसमें उसने कहा रिटार्डेशन बताओ, अब उसने ये तो आपको दिया नहीं कि रिटार्डेशन कहां से कहां के बीच में आपको चाहिए, तो उसने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एक ही जगह पर रिटार्डेशन, मतलब यहां एक पार्ट में ही सिर्फ रिटार्डेशन आ रहा है, और वो पार्ट कौन सा है, सीडी पार्ट, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर वेलोसिटी बढ़ गई और फिर वेलोसिटी घट रही, तो रिटार्डेशन है ओनली इन पार्ट सीडी। तो ऐसे शॉर्ट में आप लिख लो यहां पर रिटार्डेशन, और इंप्लाइज दैट करके पार्ट सीडी, तो आपको याद रहेगा कि सिर्फ सीडी पार्ट में है, पार्ट सीडी। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट स्लोप ही तो निकालना है, आप यहां पर कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, जैसे ये जो एंगल है, तो हमने बताया था कि इधर से एंगल लो या इधर से लो, तो जैसे ये वाला थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए, तो हम इधर वाला एंगल ले लें, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने मान लिया थीटा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो टैन थीटा हो जाएगा, मतलब जो स्लोप है, ए इज इक्वल टू, वो हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस होगा ना, माइनस टेन, जब इधर से एंगल लेते हैं तो माइनस, इधर से लेते हैं प्लस। अब ये टेन थीटा की वैल्यू आपको बता देनी है, तो माइनस टेन थीटा, यहां पर देखो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना 60 और बेस कितना 40 से 70, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा,
तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 30, कितना जाएगा -2, यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां देखो सेंटीमीटर उसने लिखा, तो यहां हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों को अगर रिटार्डेशन लिखना है तो हम लिखेंगे रिटार्डेशन टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने आपको एक बार बताया था कि जब सिर्फ रिटार्डेशन लिखते हैं कहीं पर तो हम फिर माइनस नहीं लगाते, उसका मतलब ही हो जाता है कि वो जो वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट होगा, ठीक। तो यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर टिक कर देंगे। निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे यहां पर क्या है, आप v = u + at निकालेंगे, लगा देंगे तो वहां से आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन उस आंसर में एक कंडीशन लग जाती है कि वो आप तभी अप्लाई कर पाते हैं जबकि वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जो कि यहां है। लेकिन अभी ये ग्राफ वेरी कर दिया जाए, वेरिएबल हो जाता, किसी पॉइंट पर पूछ लिया जाता तो आपको स्लोप वाले से ही ज़्यादा आसान पड़ता। ऐसे तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं, जैसे होता नहीं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे सेकंड मेथड करके कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, लिखते हैं ना, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, वही वी बराबर यू प्लस एटी वाली कंडीशन को हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो आप देखो यहाँ पर डी पॉइंट फाइनल हो जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर है ना, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पर लिख दिया जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉइंट इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 60, तो हमने यहाँ पर लिखा 60 एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी यहाँ पर क्या है 30 हो जाएगा टाइम इंटरवल। अगेन देखो वही चीज आ गई, माइनस टू और या फिर रिटार्डेशन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये मैंने इसलिए पहले नंबर पर बताया कि आपका ग्राफ चाहे वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप इससे निकालेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं, यहाँ कांस्टेंट है या नहीं कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट इससे आप स्लोप से निकाल सकते। इसी से रिलेटेड पार्ट और दिया गया है आपको, इन अबव एग्जाम्पल व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन आपको यहां पर बतानी है, ये हो गया ना सभी का, लिख लो जल्दी से, बाकी लोग अपना ट्राई करें मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए जो लिख चुके हैं। सेकेंड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड 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 आएगा ना, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल से। जैसे अब उसने एक्सेलरेशन जब पूछा तो उसने उसमें एक कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए उसने कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसने ये कंडीशन क्यों लगाई, आप देखो यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन दो जगह पर है, एक्सेलरेशन अगर आप देखें यहाँ पर तो दो जगह पर है, यहाँ पर भी ये सॉरी जीरो से ये ए पॉइंट पर भी, यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ रही तो एक्सेलरेशन होगा, और बी से सी पॉइंट के बीच में भी वेलोसिटी बढ़ रही है एक्सेलरेशन होगा। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, तो दोनों जगह एक्सेलरेशन है, तो फिर उसने मैक्सिमम कह दिया, तो आपको यहाँ पर तो दोनों जगह पर दिख ही रहा है कि यहाँ स्लोप कम है और यहाँ स्लोप ज़्यादा है। अगर बाई चांस कन्फ्यूजन होने लगे कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है तो दोनों जगह तुम्हें निकालना पड़ता, फिर आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन यहाँ हमें यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं, ये तो देख के ही लग रहा है ना, स्लोप ही कम है तो एक्सेलरेशन कम ही आएगा, यहाँ स्लोप ज़्यादा है तो यहीं पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा। तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी, जैसे वहाँ थीटा माना था इसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लिया हमने, तो ये वाली जो वैल्यू है इतनी वैल्यू,
कितना होगा ये 40, ये 60 है, ये 20 है, तो 20 से 60 मतलब 40 हो गया, ये 40 हो गया, और जो ये वाली वैल्यू है ये 10 हो जाएगी, 30 से 40 10 हो गया। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे ए एक्सलेशन, तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan अल्फा हो जाएगा। अब चूंकि इसमें इधर से एंगल ले रहे हैं इसलिए आप प्लस में रखेंगे, और tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, साइड का ही सम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया यहां पर, और इसका एरिया जो है वो मान लो आप ए वन, ठीक है, ये हमने एरिया मान लिया ए वन। ऐसे ही फिर आप देखो यहां पर कि दूसरा एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा एरिया अगर आप देखो तो ये एक और ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है जितना ये ब्लू से हम दिखा रहे हैं से पर्पल से, तो ये जो यहां पर है ये एक हो गया पार्ट, और इस पार्ट में ये पैरेलल साइड है, तो ये पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 1, और ये वाली पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 1+1 दैट इज 2। मतलब एक ट्रेपेजियम ऐसे दिखा दिया, एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे दिखा दिया, और ये जो यहां पर है इसका एरिया कुछ आप मान लो, इसको मान लेते हैं A2, ठीक है, और उसके बाद यहां पर बचता है लास्ट वाला। तो ये तो सीधे सीधे ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये यहाँ पर सीधे हो गया और ये इस तरीके से, तो इसका एरिया आप कुछ भी मान लो ए, ठीक है, और ये जो हाइट है वो 0 से 40 है यानी कि ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 1, ठीक है। अब ये जो तीनों एरिया है इनको पहले आप कैलकुलेट कर लो, तो जो पहला एरिया है ए वन उसको हम लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसकी जो पैरेलल साइड है एक है 40 और दूसरी है 20, तो ये हो जाएगा 40+20, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी 2, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या है इनटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 60। फिर ए टू लिखेंगे, ए टू भी ट्रेपेजियम है तो हाफ, अब इसमें जो पैरेलल साइड है वो कौन सी है, ये है 1 और ये है 2, तो हम यहां लिखेंगे 1+2, और दोनों के बीच की 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 20, ये दोनों पैरेलल इनके बीच की डिस्टेंस यही 20 बन जाएगी यहां पर, तो ये आ जाएगा 10 यानी कि 30 आ जाएगा ना, ठीक है 30 हो गया। अब हम निकालेंगे A3, A3 ट्रायंगल है हाफ बेस, बेस उसका हमने दिखा रखा है 1 और हाइट दिखा रखी है 40, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब आपको यहां पर निकालना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं, पहले डिस्टेंस लिखना है फिर डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम डिस्टेंस लिखते हैं तो हम साइन उसमें नहीं लगाते, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी सीधे A1+A2+A3, 60+30+20 कितना जाएगा 110, देन दिस इज इक्वल टू 110। और फिर दूसरे नंबर पर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद साइन, तो A1 A2 दोनों प्लस में है, तो A1+A2 हो गया और A3 माइनस में, जो नीचे है वो माइनस में कर दिया। अब A1 की वैल्यू है 60+30-20 कितना आ जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 110 मीटर, ये हो जाएगा 70, तो सेकंड ऑप्शन जिन लोगों ने बताया था उनका सही था यहाँ पर 110 एंड 70 सेकेंड ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, अब जैसे यहां पर तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, जैसे एक आपने पिछले वाले क्वेश्चन में गलती की वो भी आपने सीख लिया कि हमें जो ड्यूरेशन दिया जाएगा उस ड्यूरेशन को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, उसी का एरिया आपको निकालना, एक बात हो गई। दूसरी चीज आपने देख लिया कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर ग्राफ दिया गया है तो करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको वही एरिया निकालना है, ट्रायंगल ट्रेपेजियम स्क्वायर क्यूब स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपको दिया गया हो, ठीक है, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो विद विदाउट साइन, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो विद साइन कर देंगे, ठीक।
अब बात आती है कि अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता चल गई तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी तो पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इसी में पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? जैसे आपने डिस्टेंस निकाला और एवरेज स्पीड निकालनी हो डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे, तो टाइम यहाँ पर कितना है, 0 से 5 मतलब 5 सेकेंड, तो आप इसी को 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, और इसको 5 से डिवाइड कर दो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक अलग से क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें आपसे यही दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर द होल मोशन इज, एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया, और उसी क्वेश्चन में फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज वेलोसिटी। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ट्राई करो पहले 9 का आ जाएगा थर्ड, ट्राई करो सभी। जब भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ साइन नहीं रखना है आपको। जैसे आप देखो यहाँ पर ये यह नहीं कि 40 ये वाला नीचे हो गया तो इसमें हम माइनस रख दें, एरिया सिंपली निकालना है बस मैग्नीट्यूड, उसका साइन बाद में रखते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये तो दोनों यहाँ पर हो गए एरिया। अब आपको पहले पार्ट में इसमें निकालना क्या था, एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और डिस्टेंस का मतलब a1 प्लस a2, विदाउट साइन ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड कर दो आप, a1 प्लस a2 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है यहाँ पर 60, और ये 8 हो गया और इधर क्या हो गया 12, यानी कि 12t आ जाएगा टोटल टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जोड़ते चले जाए, जैसे इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर इतना पार्ट उसने ऐसे दे दिया था ना 60, तो यही ऊपर हो जाएगा, यहाँ 2t इतना पार्ट देते 2t हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12t। तो अब आप यहाँ पर ऐड कर दो तो a1 प्लस a2 70t प्लस 30t डिवाइडेड बाई 12t, तो t तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, तो 8 से कैंसिल होगा ना, 8.3 आएगा, 8.3 मीटर थर्ड ऑप्शन 9 का। नोट कर लिया आपने? अब इसके बाद यहां पर जैसे इसमें हमने निकाला एवरेज स्पीड, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द होल इन क्वेश्चन नंबर 9, क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 3.3। तो इसमें आप यहां पर देख लो कि अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी कहा गया है तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहा गया है तो फिर आपको एक एरिया ऊपर दिया गया एक नीचे, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे a1 माइनस a2, तो यहां पर लिखेंगे हम a1 माइनस a2, और टाइम तो वही रहेगा टोटल 12 उतने ही समय में क्या हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आई थी 70 और यह आया था 30t, तो 70t माइनस 30t एंड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 40t डिवाइडेड बाय 12 है ना, तो t तो कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, दैट इज 3.3 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।